दोस्तों जब भी लोगों की किसी काले कोट वाले इंसान पर नजर जाती है तो वो यही सोचते हैं कि ये तो वकील साहब ही होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि काला कोट पहनने वाला हर इंसान वकील ही हो, क्योंकि ये काला कोट एक लॉयर भी पहन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लॉयर वकील तो एक ही चीज होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सब अलग पोस्ट है और इनके अलग अलग काम भी हैं। आज के हम इस वीडियो में जानते हैं कि एक लॉयर वकील और बैरिस्टर में क्या अंतर होता है। वैसे तो लॉयर एडवोकेट और बैरिस्टर तीनों ही कानून की अच्छी खासी समझ रखते हैं, लेकिन इनमें से दो कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और किसी केस को क्लाइंट की तरफ से लड़ भी सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि लॉयर कौन होता है, क्या करता है। लॉयर वो होता है जिसके पास न सिर्फ LLB की डिग्री होती है बल्कि वो इस फील्ड में कानूनी दाव पेच की अच्छी खासी समझ भी रखता है। यही वजह है कि ऐसे लोगों का काम अपने क्लाइंट्स को कानूनी मामलों में अच्छी और बेहतर सलाह देना होता है, जो किसी भी मुद्दे पर हो सकती है। लेकिन आप शायद ये फैक्ट जानते होंगे कि एक लॉयर आपके बिहाफ पर कोर्ट में जाकर कभी भी केस नहीं लड़ सकता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। यहाँ आपने ये तो जान लिया कि लॉयर किसे कहते हैं और इसका काम क्या होता है। आप जानते हैं बैरिस्टर कौन होता है और ये क्या काम करता है। जहाँ तक बैरिस्टर की बात है तो अगर कोई व्यक्ति इंग्लैंड से लॉ की डिग्री हासिल करता है तो उसे बैरिस्टर की उपाधि दी जाती है, क्योंकि भारत में वकीलों को प्रैक्टिस करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम पास करना पड़ता है। इसे पास करने के बाद ही वो भारत के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन वही आपको बता दें कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया UK की 45 यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को भारत में प्रैक्टिस करने की भी परमिशन देता है। इन यूनिवर्सिटीज से लॉ की पढ़ाई करने वाले बच्चे भारत में आकर किसी भी कोर्ट में केस लड़ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 1891 में महात्मा गांधी ने इंग्लैंड में जाकर बैरिस्टर की डिग्री हासिल की थी। कानूनी भाषा पर अच्छी पकड़ होने की वजह से अंग्रेज भी उनसे खौफ खाते थे। फिलहाल देश में सांसद और नेता असदुद्दीन ओवैसी ने लंदन से लॉ की पढ़ाई करने की वजह से उन्हें भी बैरिस्टर कहा जाता है। तो आप इस एग्जाम्पल से समझ ही चुके होंगे कि बैरिस्टर की क्या पावर होती है। बैरिस्टर के बाद अब जानते हैं कि एक एडवोकेट कौन होता है। जहाँ तक एक एडवोकेट की बात है तो ये किसी भी विवाद होने की स्थिति में कोर्ट रूम में अपने क्लाइंट की तरफ से जज के सामने तरह तरह की दलील रखने का अधिकार रखता है। एक एडवोकेट अपने करियर की शुरुआत में लॉयर ही होता है, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से होने वाले एक एग्जाम को पास करने और लाइसेंस लेने के बाद वो एडवोकेट बन सकता है, जिसके बाद वो कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल होता है। भारत में कुछ नामचीन वकीलों की बात की जाए तो उनमें सबसे पहला नाम आता है राम जेठमलानी का, जो फिलहाल दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन वो संजय दत्त, राजीव गांधी से लेकर इंदिरा गांधी तक बड़े बड़े लोगों की तरफ से पैरवी कर चुके हैं। उनके बारे में कहा जाता था कि कोर्ट में सिर्फ एक हियरिंग के लिए 25 लाख रुपए वो लेते थे। हरीश सालवे महंगे वकीलों की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं। वो किसी भी मुद्दे पर बेबाक राय रखने के लिए भी जाने जाते हैं। हरीश सालवे 1999 से लेकर 2002 के बीच सरकार के लिए सॉलिसिटर जनरल की भूमिका भी निभा चुके हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो हर केस की सुनवाई के लिए 25 से 30 लाख रुपए लेते हैं। बता दें कि सालवे बॉलीवुड एक्टर सलमान खान से जुड़े हिट एंड रन केस को भी लड़ रहे हैं। उनके क्लाइंट्स में रिलायंस, टाटा, ITC और वोडाफोन जैसी कई दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। ये तो आपने जाने उन एडवोकेट के नाम जिन्हें अपने नाम से ही देश भर में पहचाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एडवोकेट भी कई तरह के होते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं सीनियर एडवोकेट कौन होता है। एक सीनियर एडवोकेट वो होता है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। इतना ही नहीं, ऐसे वकीलों के पास देश के किसी भी कोर्ट का कम से कम 10 साल से ज्यादा प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होता है। हालांकि एक सीनियर एडवोकेट का पद सिर्फ प्रैक्टिस करने से नहीं बल्कि अपने हार और जीत के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए भी मिलता है। एक सीनियर एडवोकेट बनने के बाद कोर्ट में पहनने वाली यूनिफॉर्म से लेकर लड़ने वाले केस में मिलने वाली फीस तक सब कुछ बदल जाता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सीनियर एडवोकेट बनने के लिए किसी डिग्री की नहीं बल्कि एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। बता दें कि कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल भी आज सीनियर एडवोकेट की लिस्ट में शामिल हैं। आपने ये तो जान लिया कि सीनियर एडवोकेट क्या होता है, अब जानते हैं कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होता है। क्या आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही केस फाइल कर सकता है। जैसा कि हर कोर्ट के अपने अलग अलग नियम, कायदे और कानून होते हैं, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें सभी को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका है, इसीलिए इसका समय बचाने और डेकोरम मेंटेन करने के लिए ऐसा किया जाता है। इसीलिए जो लोग पहले से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में रजिस्टर होते हैं केवल वही लोग सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं।
इससे जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताते चलें कि सिर्फ केस फाइल करने के लिए ही रेस्ट्रिक्शन होती है, वहीं जब केस फाइल हो जाता है तो इसके बाद कोर्ट में होने वाली बहस को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जूनियर भी कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कैसे बनते हैं। इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होने वाले AOR नाम के टेस्ट को पास करना पड़ता है। वहीं इस टेस्ट में अपीयर होने के लिए भी आपके पास किसी भी कोर्ट में कम से कम 4 साल प्रैक्टिस का और 1 साल किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंडर प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी होता है। वैसे लीगल तौर पर और भी कई पावरफुल पद होते हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि एडवोकेट जनरल किसे कहते हैं। एडवोकेट जनरल एक बहुत ही बड़ा पद होता है जिसे स्टेट के गवर्नर द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस तरह संवैधानिक पद पर मौजूद इंसान यूं तो कई काम करता है, लेकिन उसका सबसे जरूरी काम सरकार को जरूरत पड़ने पर कानूनी राय देना और राज्य से किसी का भी विवाद होने की स्थिति में कोर्ट में जाकर अपना कानूनी पक्ष रखना होता है। इस तरह एक एडवोकेट जनरल स्टेट को कानूनी तौर पर रिप्रेजेंट करने का काम करता है, इसलिए उसे स्टेट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि अटॉर्नी जनरल कौन होता है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अटॉर्नी जनरल का काम कानून से जुड़े हुए किसी भी वाद विवाद की स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोर्ट में अपना पक्ष रखना होता है, इसीलिए इस पद पर नियुक्त व्यक्ति को देश का पहला लॉ ऑफिसर भी कहा जाता है। जहाँ तक इसकी अपॉइंटमेंट की बात है तो ये देश के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार को जब भी किसी लीगल एडवाइस की जरूरत पड़ती है तब सिर्फ अटॉर्नी जनरल को याद किया जाता है। अटॉर्नी जनरल के बाद अब बात करते हैं सॉलिसिटर जनरल कौन होता है और यह क्या काम करता है। जहाँ तक सॉलिसिटर जनरल की बात है तो इस पर नियुक्त व्यक्ति को कंट्री के दूसरे लॉ ऑफिसर के नाम से भी जाना जाता है। एक सॉलिसिटर जनरल का काम अटॉर्नी जनरल की लीगल वर्क में मदद करना होता है। इसके अलावा भी एक ऐसी पोस्ट है जो एक एडवोकेट को चंद पलों के अंदर सुर्खियों में ला सकती है। इसमें 2 तरह के ऑप्शन होते हैं, क्रिमिनल और सिविल। सबसे पहले बात करते हैं क्रिमिनल की। तो आपने देखा होगा कि जब दिल्ली में निर्भया के साथ एक शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया तब न्याय दिलाने के लिए जिस वकील को विक्टिम की तरफ से कोर्ट में लड़ने के लिए केस दिया गया था उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक ऐसा वकील होता है जिसे क्रिमिनल केसेस में स्टेट की तरफ से केस लड़ने के लिए अपॉइंट किया जाता है। वहीं एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम तब शुरू होता है जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन खत्म करने के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर कर देती है। कानून में किसी इंसान के खिलाफ जब भी कोई क्राइम होता है तो ये मान लिया जाता है ये क्राइम सिर्फ इंसान के साथ ही नहीं बल्कि स्टेट के साथ भी हुआ है। ऐसे में जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि वो खुद से अपना वकील अफोर्ड नहीं कर सकता, ऐसे में सरकार न्याय दिलाने के लिए कई बार अपनी तरफ से एडवोकेट नियुक्त करती है। तो दोस्तों, क्या आप भी इस वीडियो को देखने से पहले तक एडवोकेट और लॉयर को एक ही समझते थे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं।